हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त एकदम, बहुत अच्छे हैं आप। वेरी गुड। मैं नरेंद्र राठौर उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से हूँ, जो कि एक छोटी सी कोचिंग में मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ। और ये मेरी फर्स्ट यानी पहली वीडियो है जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने कक्षा 9 यानी क्लास 9 में की एनसीईआरटी की बुक मैथ के विषय में बहुत ही सरल प्रकार से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो को रेडी करते हैं। वीडियो को रेडी करने से पहले सभी लोगों से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो जिस नोटबुक में हम लोग काम करते हैं, आप सब लोग स्टूडेंट हैं, जिस नोटबुक में हम लोग काम करते हैं ना, तो इसमें बस कम से कम बेस्ट कागज़ को खींचे, कम से कम वेस्ट कागज़ को खींचेंगे, जिससे हमारी प्रकृति, हमारे पेड़ पौधे भी बचे रहेंगे और हम लोगों का पढ़ाई भी चलती रहे। चलिए, सबसे पहला लेसन है कक्षा 9 की मैथ की एनसीईआरटी का संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम, जो संख्या होती है उसे लिखने का तरीका, कैसे लिखी जाए, कौन सी इसमें सम संख्या है, कौन सी विषम है, कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, ये सभी संख्याओं के विषय में संख्या पद्धति में बताया गया है। सबसे पहले हम परिमेय संख्या को लेते हैं। फर्स्ट परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल, पी क्या है? पी हमारा होता है अंश और क्यू है हमारा हर। जो पी होता है, अंश होता है, वो इक्वल होता है 0 के। व्हाट? लेकिन क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू 0 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि क्यू का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या हो
शक्ति है, क्योंकि क्यू का मान कोई प्राकृतिक संख्या होता है। फॉर एग्जाम्पल पी, मतलब पी यानी जीरो, तो जीरो अपॉन वन कोई प्राकृतिक है एज ए नेचुरल नंबर। जीरो पॉइंट वन, जीरो पॉइंट टू, जीरो पॉइंट थ्री, जीरो पॉइंट सॉरी जीरो पॉइंट फोर, डेड डेड डेड। ये हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं। और जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, वह संख्या, वह संख्या जो p अपॉन q के रूप में, p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह अपरिमेय संख्या होती है। वह क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, यानी अपरिमेय संख्या होती है वह संख्या जो p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, रूट फाइव, रूट टू, फाइव प्लस रूट टू, ये सभी क्या हो सकती है? हमारी अपरिमेय संख्या हो सकती है, जिसे हम भिन्नात्मक यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। और जो परिमेय संख्या होती है उसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। यह हमारी हो गई परिमेय अपरिमेय। नेक्स्ट, फर्स्ट, दूसरा एंड तीसरा, दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल हमेशा क्या रहता है? एक परिमेय संख्या ही रहता है, हमेशा एक परिमेय संख्या ही रहता है। ठीक है ना? क्या दिक्कत आई? एक बार फिर से देखिए, संख्यावादी नंबर सिस्टम, परिमेय संख्या वह संख्या जो p अपॉन q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, वह क्या होती? परिमेय संख्या होती है। तो p इक्वल जीरो, p इक्वल टू जीरो हम ले सकते हैं, मगर q यानी हर जीरो नहीं हो सकता। p यानी अंश तो जीरो हो सकता है, मगर हर जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर क्या होता है? हर क्या होता है? नीचे वाला, जो हमारा नीचे होता है वो हर होता है, और जो ऊपर वाला होता है हमारा अंश होता है। क्यों? जो हर होता है वो हम एक प्राकृतिक संख्या ही ले सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कोई भी एक प्राकृतिक संख्या ही ले सकते हैं। और परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p अपॉन q के रूप में जिसे हम नहीं लिख सकते, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे रूट फाइव, रूट टू या फाइव प्लस रूट टू।
दो परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल, यानी जोड़ और गुणा, सदैव एक हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। फार्मूला और है, कोई भी दो परिमेय कोई भी दो परिमेय कोई भी दो संख्याओं कोई भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। कोई भी दो संख्याओं के बीच, कोई तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी परिमेय हमें संख्या निकालना, उसके लिए एक सूत्र यानी फार्मूला है। इक्वल पहली संख्या, जो भी हमारी पहली संख्या दी होगी, प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, अपॉन यानी बट्टे दो, ठीक है ना? वेरी गुड। अब कुछ करणी, इसमें नेक्स्ट लेसन में कुछ करणी भी आएंगी संख्या पद्धति में, तो करणी का फार्मूला देखिए। करणी करणी का नियम, करणी का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडियस, लॉ ऑफ रेडिकल्स, आर ए डी आई सी ए एल ए, लॉ ऑफ रेडिकल्स, करणी का नियम। कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि मेरी पहली वीडियो है, आपका सपोर्ट रहा, आपका साथ मुझे मिलता रहा तो मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, मेरा उत्साह और होगा आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने में। पहली है, थोड़ा डर लगता है, थोड़ा घबराहट होती ना, फिर भी आप लोग मेरे साथ हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। मेरा बस सपोर्ट कीजिए, मैं आपको अच्छा से अच्छा बहुत ही सरल विधि से, जो कि आपको समझ में आए, मैथ बताता हूँ 9th क्लास की। करणी का नियम देखिए साहब, जिसमें इसका फर्स्ट फार्मूला है, एन रूट ए ब्रैकेट, एन रूट ए ब्रैकेट पावर एन, एन रूट ए की पावर एन इज इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि जब हम रूट हटाएंगे तो ए की पावर 1/n हो जाएगा, और 1/n होगा तो n से n हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे,
तो ए की पावर वन बचेगा, ए की पावर वन बचेगा बराबर ए की पावर वन बराबर ए। नेक्स्ट है दूसरा, एन रूट ए, एन रूट ए और एन रूट बी, एन रूट बी, ठीक, एन रूट ए और एन रूट बी। तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, एन रूट ए एन रूट बी की कंडीशन हो जाएगी एन रूट ए, क्योंकि एन क्या हो गया हमारा, एन बाहर ले लिया, कॉमन हो गया, वेनिस्ट हो गया, और ए बी एक ब्रैकेट में आ गए, क्योंकि हमारा एन रूट ए बी। तीसरा, एन रूट ए, एन रूट ए अपॉन एन रूट बी, कुछ नहीं करना है, एन को कॉमन ले लिया और पूरा ब्रैकेट लगा के ए अपॉन बी कर दिया, एन कॉमन लेके फुल ब्रैकेट लगा के ए अपॉन बी कर दिया। चौथा, एम एन रूट ए, एम एन रूट ए, इसमें कंडीशन हमने क्या अप्लाई की, एम एन, क्या एम एन, ध्यान से देखना, एम एन और रूट ए, ठीक। इसे चेंजिंग करके हम ये भी कंडीशन कर सकते हैं कि एन बाहर लेके क्या रूट में और अंदर एम लेके रूट में ए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये कंडीशन आ रही है हमारे सामने तो उसे हम एन को बाहर लेके एम रूट ए कर सकते हैं। एन रूट ए की पावर पी, एन रूट ए की पावर पी, इसे हम क्या कर लिख सकते हैं, एन रूट एम रूट ए की पावर पी का होल एम, कुछ नहीं किया हमने, एम इधर बढ़ाएंगे तो एम इसकी पावर में भी बढ़ेंगे, रूल है ये, अगर मल्टीप्लाई में एम डालते हैं तो उसके पावर में भी हम एम बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, एम एन रूट ए की पावर पी एम, पी की एम से मल्टीप्लाई कर दी, गुणा कर दी, तो ए की पावर पी एम हो गया मेरा। ये कुछ फार्मूलेस थे, कुछ रूल थे, कुछ नियम थे संख्या पद्धति यानी कि नंबर ऑफ सिस्टम को बताने के लिए, इसका लेसन करने के लिए। अगर आगे भूलवश कोई फार्मूला छूटा टेंशन मत लीजिए, लेसन के हिसाब से एक्सरसाइज के हिसाब से साथ में फार्मूला बता दिया है तो और भी अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी चलता होगा ना उसी के हिसाब से फार्मूला भी लग रहा है तो और भी अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं देखिए साहब, अच्छे अच्छे कमेंट मारियो साहब, ठीक है, अच्छे अच्छे का कोई निगेटिव कमेंट मत देना साहब, ठीक है, पूरी ईमानदारी से साहब वीडियो बना रहे हैं,
दिक्कतें हो आ रही हैं, एक कैमरे के सामने समझाने में और एक ऑफलाइन बच्चे को समझाने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, थोड़े बोलने में भी हिचकिचाहट आती है। थोड़ा आप सपोर्ट करते रहिए, बस ये हिचकिचाहट सब निकल जाएगी साहब। और आप लोगों के सामने मैं एक अच्छी से अच्छी वीडियो मैथ की लाऊंगा। मैं अभी मेरी ये शुरुआत है, आप बस सपोर्ट कीजिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? शून्य एक परिमेय संख्या है। आंसर शून्य मीन्स जीरो, एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, है तो क्यों है साहब? क्योंकि जब p है, मैंने बताया था आपको फर्स्ट परिमेय संख्या p इक्वल जीरो है, p इक्वल जीरो है और q नॉट इक्वल जीरो है। क्या क्यों? इसलिए क्योंकि क्यों की जगह हम कोई भी प्राकृतिक संख्या लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए शून्य हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, ज़्यादा कोई डिटेल नहीं चाहिए, ठीक है? बस समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर दो कह रहे हैं, तीन थ्री व फोर के बीच छह परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी कि तीन व चार के बीच छह परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो तीन व चार के बीच छह परिमेय संख्या, तीन व चार दो अंक हो गए, दो संख्याएं हो गई। मैंने कहा ना, दो संख्याओं के बीच अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या लगा देंगे? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन टू। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर, आंसर नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो। तीन बाय चार के बीच, तीन बाय चार के बीच निकालना है। तीन बाय चार के बीच परिमेय संख्या, तीन यानी थ्री एंड फोर, तीन बाय चार के बीच परिमेय संख्या निकालना है। पहली परिमेय संख्या निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या प्लस प्लस दूसरी संख्या अपॉन यानी बट्टे दो। देख लीजिए साहब, पहली संख्या तीन प्लस दूसरी संख्या हमारी चार बट्टे दो। पहली संख्या तीन, दूसरी संख्या चार और बट्टे दो, तो चार और तीन कितने हुए? सात। भाई देख लो साहब, तीन है, तीन में चार प्लस करना है, तीन में चार प्लस करना, प्लस का साइन लगा है, तो एक दो तीन और एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यानी सात बट्टे दो। एक हमारी परिमेय संख्या यानी तीसरी परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या निकल आई, दो संख्याओं के बीच की, सात बट्टे दो। कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? तो थ्री ग्रेटर देन सेवन अपॉन टू ग्रेटर देन एंड फोर, तीन और चार के बीच जो परिमेय संख्या निकली हमारी सात बट्टे दो, यानी एक परिमेय संख्या हमने सात बट्टे दो निकाली।
पूछी कितनी है इन्होंने, छह परमेय संख्या, छह परमेय संख्या पूछी है इन्होंने। अब देखिए साहब निकल गया ये, अब तीन और सात बट्टे दो के बीच परमेय संख्या निकाल लो। अब तीन थ्री और सात बट्टे दो के बीच परिमेय संख्या, वही फार्मूला लग जाएगा। पहली संख्या तीन और प्लस दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारे यहाँ पे है सात बट्टे दो, सात बट्टे दो और अपॉन यानी बट्टे दो। ठीक, नीचे कुछ नहीं मानते हैं, कोई भी नंबर होता है उसके नीचे बन लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमें परमेय संख्या बनाना है, क्योंकि इसके बाद साथ में परमेय संख्या चल रही ना, तो इसे हमें परमेय संख्या बनाना है, तो नीचे एक लगा सकते। तो तीन बट्टे एक प्लस सात बट्टे दो, एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम जैसे आपको अच्छा लगे, एलसीएम एक भिन्न के द्वारा मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं और एक एलसीएम लेके कर सकते हैं। अब भिन्न के रूप में हम क्या कर सकते हैं साहब, दो तियां छः, दो तियां छः और दो एकम दो प्लस एक सत्ते सात बट्टे एक दूना दो बट्टे दो, दो दो हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, एलसीएम ले लिया और छः और सात तेरह बट्टे दो। नीचे कुछ नहीं है बन, क्यों परमेय संख्या चल रही ऊपर, तो नीचे भी परमेय संख्या बना लो, तेरह बट्टे दो इंटू एक बट्टे दो, क्यों, क्योंकि ये इसका अपॉन में चल रही है बट्टे में, और जब बट्टे से हम इसे ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो जो नीचे की वैल्यू होगी वो अपोजिट हो जाती, उल्टी होती, जो उसका अंश होता है वो हर हो जाता, जो हर होता है वो अंश हो जाता, वही कंडीशन करिए, जो इसका अंश था वो हर हो गया और जो हर था वो अंश हो गया। अब हमारा क्या हुआ, तेरह एकम तेरह और दो दूना चार, यानी जो दूसरी हमारी परमेय संख्या आई वो क्या आई हमारी, तेरह बट्टे चार। देखिए साहब इसके बीच में लगाई है थ्री, तेरह बट्टे चार, सात बट्टे दो और चार, दो परमेय संख्या हमारी निकल गई, एक और दो। अब तीसरी परमेय संख्या निकालेंगे हम, तो तीसरी परमेय संख्या सात बट्टे दो और चार के बीच निकाल लेंगे, तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या यानी पहली संख्या सात बट्टे दो प्लस दूसरी संख्या चार, परिमेय संख्या बना लो इसे वन अपॉन टू, कंडीशन कर लो, एक की एक सत्ते सात, एक दूना दो प्लस दो चौक आठ और दो एकम दो बट्टे दो, एलसीएम के ले लिया, दो दो हमारा क्या हो गया, एलसीएम और सात प्लस आठ यानी बट्टे दो, आठ सात पंद्रह बट्टे दो अपॉन दो। अब इसे ही परमेय बना लो नीचे एक लगा के, तो पंद्रह बट्टे दो हो गया, इसे जब मल्टीप्लाई में ले जाएंगे गुणा में इनटू में ले जाएंगे तो अपोजिट साइड हो जाएगी, यानी वन आपका
अंश जो मैंने बताया था ना अभी, जो अंश होगा वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो एक बट्टे दो बराबर 15 × 1 = 15 और 2 × 2 = 4। हमारी ये कौन सी हो गई? तीसरी परिमेय संख्या, यानी कि अब 3 × 13 = 4, 7/2 और 15/4 और 4। समझा रहा है ना? ठीक, अभी इसके बीच की ये हो गई और इसके बीच की हमारी ये हो गई। कुछ नहीं, अब इन दोनों के बीच की निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच की निकाल लो। चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 13/4/2, इसे परिमेय बना लो, प्लस 13/4/2, 4 × 3 = 12, प्लस 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, प्लस 1 × 13 = 13 × 1 = 4/2, 4 दोनों तरफ है, दोनों हर 4 है, तो हर हमारा एलसीएम क्या हो गया? 4 और 12 + 13, फ्रैक्शन आता है आप सभी लोगों को भिन्न। चलिए, अगर नहीं भी आता होगा एक टॉपिक आगे जाके कभी भिन्न का ही बताएंगे, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, फ्रैक्शन भिन्न होगा, हो गया एलसीएम एचसीएफ डिवाइड जैसे भाग मल्टीप्लाई गुणा। और चलिए साहब, आप लोगों के लिए जोड़ घटाओ एड एंड सब्ट्रैक्ट ये बता देंगे। मुझे मालूम 9th क्लास में जितने भी बच्चे हैं थोड़ा बुरा मानना, 70% बच्चों की कैलकुलेशन 0 है। आज भी उन्हें 9th क्लास में तो पहुंच के सही से भाग का सवाल नहीं।